आज करीब सुबह 7 बजे दो अलग अलग जगह पर मधुमक्खी काटने से 9 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार पहली घटना गांव डाक कुलाड़ में हुई, जहां पर निर्देव और प्रेमलाल अपने घर से खेतों की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में मधुमक्खियों के झुंड ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया, जिसमें गंभीर रूप से वो घायल हो गए। वहीं दूसरी घटना गांव नागड़वा तहसील नूरपुर स्कूल के बस का इंतजार कर रहे बच्चों व अभिभावकों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया, जिसमें आयुष, तनीषा, उनकी माता सुरेखा, गौरव सुहानी और उनकी माता भारती और एक अन्य महिला जिसके बच्चे बस में चढ़ गए थे, वो भी घायल हो गयी। गनीमत रही कि कुछ बच्चे पल भर पहले ही स्कूल बस में बैठ कर गए, अन्यथा वे भी इस घटना का शिकार हो सकते थे। वहीं जब ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक वरुण शर्मा से बात की गई, दोनों ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा, कुछ को ऑब्जर्वेशन में रखा गया है, लेकिन सभी खतरे से बाहर हैं। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए इंदौरा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट।